चाहती हूँ कि लता जी के साथ, लता जी ने जो भी कहा वो एकदम सही कहा, और बहुत ही ये गुस्से में आ गई थी, इनका गुस्सा जायज़ है, बट लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी कलाकार, कुछ भी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कोई भी कलाकार दुखी होकर ना जाए, सब कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए, सब मीडिया वालों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कलाकार छोटे से ही बड़ा होता है, और जब उसका गाना एक दिन हिट होता है तो वो एक दिन कहलाता है कि ये आज, चाहे वो हमारे बीच पद्मश्री सोमा घोष जी, किसी का गाना जब क्लिक होता है तो वो कहलाता है कि आज वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो आर्यन जी को बहुत मुझे अच्छा लगा कि आज वुमेंस डे पे जो उन्होंने आज हमको, लता जी को, और मैं मिस कर रही हूँ दिलीप सेन जी को, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गाना लता जी ने लिखा, आफ्टर दैट धुन दिलीप सेन जी ने दी, जो कि आज हमारे बीच नहीं मौजूद हैं, और मुझे गाने का मौका मिला एज अ सिंगर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिलीप सेन जी नहीं हैं तो थोड़ी कमी महसूस हो रही है, और हालांकि हो जाता है ऐसा, सोमा, ये लता जी अवार्ड लेने को तैयार नहीं थी, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सोमा जी की, कि सोमा जी ने कहा कि जब किसी कलाकार को अवार्ड मिलता है तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, और भी काम करने पड़ते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, और लता जी को मैंने ये कहा कि आप प्लीज़ नाराज़ ना हों, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा उनको ये लगता, क्योंकि एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया और काफ़ी देर से बैठना पड़ा, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बट सभी कलाकार को सम्मान देना चाहिए, और ये नारी शक्ति पे ये जो गाना बन पड़ा है, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, कई रिश्ते निभाती हूँ, सभी रिश्तों में अद्भुत हूँ, मैं सर से पाँव तक बस इश्क हूँ, चाहत मोहब्बत हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी सभी का, चाहे वो नारी हो, और मैं ये नहीं कहता, ठीक है, वुमेंस का भी सबका सम्मान करना चाहिए, हर कलाकार का सम्मान करना चाहिए, और हमारी मीडिया, तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी, मीडिया वालों के लिए ज़ोरदार तालियां, और आप हमेशा अच्छी खबरें जो आर्टिस्ट को लेके पहुंचाते हैं, बिकॉज आपके बिना हम कलाकार अधूरे हैं। और आर्यन जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे लता जी को और दिलीप सर को इन्वाइट किया, और थैंक्स टू दिलीप सर। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अपने मीडिया को, इतनी मीडिया इकट्ठी हुई है, तो अभी हाल में ही पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ मेरा गुरु नानक आई एल्बम आया, जो रिलीज़ हुआ, जो बहुत ही हिट हुआ है, तो मैं भाग्यशाली हूँ, और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, बेटी हूँ, और मुझे बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो सिर्फ एल्बम ही नहीं, मेरा एक उपलब्धि भी है मुंबई में आकर, और मैं अब सबके लिए ज़ोरदार तालियाँ, और सब कलाकार का सम्मान हो, बस यही चाहती हूँ।